लिटरली जब मैं रोड पे खड़े होकर वेट कर रही थी बस का या चिंची का, तो इवन बहुत सारे लोग आके कमेंट भी करते हैं, मैं फुल अबाया, मैंने निकाब भी पहनी हुई है, क्योंकि रात के 11 बजे मुझे सेफ नहीं लगता था कि मैं शलवार कमीज पहन के भी खड़ी रहूँ, अबाया पहन के भी मैं खड़ी हूँ, उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं ना, तो एक आवाज़ के साथ आ रहा है, मैं ड्रॉप कर दूँ, क्यों खड़ी हूँ? अगर आप चिंची में बैठे हो, मैंने देखा चिंची में ख्वातीन यहाँ बैठे होते हैं, जब मैं गई ना बैठने के लिए, वहाँ पर आगे एक लड़का आके बैठा, पूरा टांगे आप चुप कर रहा है, चुप, ये यू हो रहा है, टच हो रहा है, ये हरेसमेंट नहीं है? मेरी बाइक में तो कोई मुझे टच तो करे। देखिए हसन भाई, एक वक्त था कि मैं जब रिक्शा का इंतज़ार करती थी, और उस टाइम पे मैं सोचती थी कि काश मैं बाइक, मुझे बाइक चलानी आती होती, और एक वक्त है कि अब मैं बाहर खड़ी होती हूँ और एक लड़की बाइक पे गुजर रही होती है और वो मेरी स्टूडेंट होती है, तो वो एक प्राउड मोमेंट होता है कि जो मेरा एक ड्रीम था, विश था, वो पूरा हो गया। बाइक चलाऊंगी और कुछ करके दिखाऊंगी। ये जब मैं खुद 12 साल की थी तो मुझे शौक था कि मैं बाइक चलाऊं, क्योंकि शौक तो होता है ना, जैसे मैं बाहर मुल्कों में देखती हूँ, इंडिया, अमेरिका, तो वहाँ पर लड़कियाँ बाइक भी चला रही है, स्पोर्ट्स बाइक भी चला रही है, तो मैं यहाँ जब देखती थी कोई नहीं चलाती थी, तो मैं सोचती थी कि इतना क्या, मतलब जब वहाँ लड़कियाँ चला रही, यहाँ पर लड़कियाँ सिर्फ पीछे क्यों बैठ रही है, और जब पीछे बैठ रही तो बिल्कुल यू एक साइड क्यों, हालांकि बैठने का तरीका बहुत साइड है, एक साइड आप बैठ नहीं सकते हो। तो बस उस टाइम पे जब मेरा शौक था, मैं घर में बताती भी थी, तो मेरी फैमिली मुझे अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि मैं एज अ माजरिया रहती हूँ, सही है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो होता था कि मेरी अम्मी को बहुत डर लगता था, मेरे अब्बू को बहुत डर लगता था कि मैं एजुकेशन के लिए बाहर जा रही हूँ, और इसके अलावा मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हूँ, तो जब भी मैं डिस्कस करती थी कि अम्मी मेरी नीड अब बन चुकी है, एक शौक था अब नीड बन चुकी है, क्योंकि आप कहीं से अगर ट्रैवल होते हो, कहीं माजरत करते हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने लाइफ को दोबारा बनाना। असन भाई, दरअसल हम ना मिडिल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, सही है, और उसमें ना जब मैं अपनी रियल बता रही हूँ कि इंटर के बाद ना मुझे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी थी BBA, तो पहली बार तो जब ये था कि मेरी फैमिली में कि लड़की हो घर पे बैठो, इंटर किए BA कर लो घर बैठे बैठे, BBA ना करो, और मुझे यूनिवर्सिटी से करनी थी, अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो तब मैंने कहा यार इस तरह चलेगा नहीं लिटरली, तो उस टाइम पे मैंने खुद जॉब सर्च किया, और मैंने कहा मॉर्निंग में मैं पढ़ाई करूँगी और इवनिंग में जॉब, क्योंकि मॉर्निंग में मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अब मेरे फैमिली में अलाउ नहीं था कि मैं मॉर्निंग में कहीं घर से बाहर निकलूँ 8-9 घंटे के लिए, मॉर्निंग में, वो भी इवनिंग में मैं कैसे निकल सकती हूँ, पहले तो मुझे यूनिवर्सिटी का अलाउ नहीं था कि मैं घर बैठे BA कर लूँ, मुझे कहते थे कि सारी लड़कियाँ घर बैठे बैठे BCom भी कर रही, BA भी कर रही, कोई बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उस टाइम पे जब मैंने कहा कि नहीं अम्मी मुझे करनी है तो यूनिवर्सिटी जाके ही करनी है और अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है, अब उसमें यह था कि ऑब्वियसली फैमिली जब आपके इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो मुझे खुद कुछ करना था, मैंने कहा अम्मी मैं खुद कर लूँगी इंशाल्लाह, तो अम्मी भी परेशान के कैसे करूँगी मैं, मुझे तो फैमिली को भी सपोर्ट करना था, साथ में अपने आप को भी करना था। जब मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट की तो अल्लाह मेरे नशे में रास्ता खोला कि मुझे अच्छी जॉब मिली, 5 आवर्स की, 5 घंटे की जॉब मुझे अच्छी सैलरी में मिली, पार्ट टाइम जॉब था 5 घंटे का और वो भी 6 से 10, तो पहले फिर उसमें भी अम्मी ने कहा कि 6 से रात 10 बजे तक, मैं वो लड़की थी कि 6 बजे तक, 5 बजे के बाद आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और आप 6 बजे निकल रही हो, तो उसके बाद जब उसमें मनाया मैंने फैमिली को कि मुझे तो यूनिवर्सिटी भी करना है, मुझे कन्वेंस के लिए बहुत ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ती थी, और एक बार सिर्फ मेरे भाई के साथ गई, फिर उसके बाद मुझे दो चिंचियाँ या फिर अगर बस तो मिलती ही नहीं थी, अगर बस मिले तो वो आराम से एक ही बस मिलता था, लेकिन वो 1 से 1.5 घंटा आराम से लेके जाता, लिटरली जब मैं रोड पर खड़े होकर वेट कर रही थी बस का या चिंची का, तो इवन बहुत सारे लोग आके कमेंट भी करते हैं, मैं फुल अबाया, मैंने निकाब भी पहनी हुई है, क्योंकि रात के 11 बजे मुझे सेफ नहीं लगता था कि मैं शलवार कमीज पहन के भी खड़ी रहूँ, अबाया पहन के भी मैं खड़ी हूँ, उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं ना, तो एक आवाज़ के साथ आ रहा है, मैं ड्रॉप कर दूँ, क्यों खड़ी हूँ? तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा अकवर्ड लगता था, और मैं जब भी घर आऊँ ना सोचूँ मैं क्या करूँ, तो एक बार तो स्नैचिंग का भी सीन हुआ था,
जब मैं बाइक पे मैंने बुलाया था कि भाई मुझे लेने आ जाओ, मुझे लेने आए, तो आया था दो बंदे और यू करके बंदूक निकालता, और वो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं बहुत डर भी कि मैंने कहा बाइक घुमाओ और निकाल लो, तो बाइक घुमा के निकले, लेकिन बहुत रिस्की था ये, खुदा ना खास्ता अगर वो फायर करता तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि बस अब तो नहीं, जो मेरा शौक है अब वो मेरी नीड बन चुकी है, मैं गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे अगर करना है तो मुझे बाइक ही लेनी है। जब मैं लोगों को कहते थे कि यार प्लीज़ मुझे बाइक सिखा दो, मैं आपको पे करने के लिए भी तैयार हूँ, तो मुझे लोग यही कहते थे कि लड़कियों का बस का काम नहीं है, लड़कियों घर पर रहो, लड़कियों का काम होता है घर पर, घर संभालना। बाइक मेरा एक जुनून था, और लेकिन जब मैं सीखने के लिए मैंने बाइक ली थी तो वो मेरे लिए एक खौफ था कि मैं इसको चलाऊंगी कैसे, इसको मैं बैठूंगी कैसे, इसको मैं कैसे, मैं इसको आगे लेके जाऊं, तो वो चैलेंजिंग था मेरे लिए। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी मैंने फिर वीडियोस देखी यूट्यूब में कि ये स्टार्ट कैसे होता है, इसमें चलाते किस तरह है, इसमें गियर कैसे लगाते हैं, इसमें ब्रेक कैसे लगाते हैं। मुझे फिर शुरू में जब मैं ब्रेक लगाने की कोशिश करती थी, दोनों पैर नीचे रखती थी, ऐसे ब्रेक नहीं लगाती थी, पैर नीचे रखती थी, तो उसमें मेरे पैर में लाइक स्क्रेचेस भी लगते थे और गिर भी जाती थी मैं, बाइक आगे भी जा रही है, तो बड़ी सीखने में मुझे बड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। तो फिर उसके लिए फिर मैंने लोगों से बड़े बोला, दो तीन वर्ड किया, मुझे बताओ कैसे कैसे चलाते हैं, मुझे टाइम दो थोड़ा सा, तो कोई भी वहाँ नहीं था। फिर मैंने खुद कोशिश की, पैरों से चलाने की कोशिश की, फिर उसको थोड़ा सा रेस देने की कोशिश की कि चलाओ मैं, लेकिन कटिंग में जैसे एक फर्स्ट टाइम जब मैं कट कर रही थी तो मेरे सामने रिक्शा आ गया और बाइक मेरी गिर गई। जब वो गिरा तो पूरा पैर मेरा जल गया सिलेंसर से, और मेरी गलती ये भी थी कि मैंने ब्रेक के बजाय पैर नीचे रख दिया, लेकिन खैर फिर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, आहिस्ता आहिस्ता मैंने दोबारा कोशिश की, फिर दोबारा कोशिश की, उसके बाद जब मेरी 5-6-7 एक हफ्ते तक कोशिशें मैंने की चलाने की, फिर मैंने सोचा अब मैं दिन में निकालूंगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती थी रात के 11 से 12 अपनी गलियों में। और फिर उसके बाद जब दिन में निकालने की कोशिश की, मैंने कहा संडे को पहले निकालती हूँ, क्योंकि आयशा मंदिर से जौहर बाइक लेके जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, एक बहुत लंबा रास्ता है, तो मैंने सोचा कि मैं संडे को निकालने की कोशिश करूँ डे में 12-1 बजे, देखती हूँ फिर उसके बाद मॉर्निंग में निकालूंगी। जब मैंने 12 बजे निकाला तो मुझे ऐसे लगा कि यहाँ से भी लोग आके मुझे मारेंगे, ये बाइक वाला भी आके मारेगा मुझे और ये गाड़ी वाला भी, तो बस अपने घर से डायमंड तक लेकर आई और वहाँ पर बंद करके घर आ गई मैं। ये हुआ, फिर दोबारा मैंने हिम्मत की, दोबारा निकालने की कोशिश की, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर आगे लेके गई, फिर वो रात को लेकर आई थी बाइक में खुद ही, रात को इजी था क्योंकि प्रैक्टिस मेरी रात को होती थी। फिर दोबारा मैंने बाइक स्टार्ट की और दोबारा चलाने की कोशिश की, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके हिम्मत करके फिर मैं ऑफिस तक आई। लेकिन बीच में एक दिन ये हुआ था कि जब मैं कराची यूनिवर्सिटी है वहाँ से जब आपका जौहर की तरफ टर्न आता है, मैं वहाँ तक गई बाइक लेकर, अब मेरी बाइक इस तरफ, अब रोड मुझे इस तरफ यूँ आना है, अब मैं सोचूँ मैं इसको कैसे लेके जाऊँ, लेकिन एक फरिश्ता वो ट्रैफिक पुलिस, लिटरली मुझे आज तक मुझे उनकी शक्ल याद नहीं है, मैं वहाँ पर 10 मिनट से खड़ी थी कि मैं कैसे क्रॉस कर लूँ, उन्होंने मुझसे कुछ ना पूछा ना कुछ कहा, वो रिक्शा में बैठे और उसने सिर्फ इशारा किया कि चलो। तो यार वो चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और फिर उसके बाद आहिस्ता चलाने लगी तो कुछ फीमेल्स बाहर निकल के थम्स अप कर रहे गाड़ी से, कुछ मेल्स यू थम्स अप कर रहे, तो उन्होंने मेरी ना जो जोश और जज्बा था, जो मेरा कॉन्फिडेंस था, वो और डेवलप्ड हुआ लोगों के ही थम्स अप से डेवलप्ड होते रहे। घर वालों को शुरू में पता तो नहीं चला क्योंकि मैं बहुत दूर खड़ी करती थी बाइक, वैसे भी जब हम चिंचा ले कराते थे या रिक्शा कराते थे तो उसके लिए अच्छा खासा पैदल जाते थे, तो मैंने भी घर से ना काफ़ी दूर रखा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे मोहल्ले में पता चल गया, फिर उसके अलावा क्योंकि एक ही रास्ते से आती थी जाती थी, फिर मेरे घर वालों को पता चला, फिर मेरे रिलेटिव को पता चला, तो बड़ा एक अम्मी को कॉल आना शुरू हुआ सबका कि आपकी बेटी क्या कर रही है, वो लड़की ज़्यादा है, उसका हाथ पैर टूट गया तो क्या होगा, उसको मना कर दो, ये अच्छी चीज़ नहीं हमारे माशरे में, तो अम्मी मुझे मना करती थी और अम्मी कभी चाबी भी चुमाती थी कि अम्मी, क्योंकि अम्मी को भी डर लगता था जब माएँ आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस चीज़ में, तो उनको जब प्रेशर मिलता है बाहर से तो वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, तो उनको बड़ा मनाना बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए, लेकिन आहिस्ता 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 फिर अम्मी मान गई और मानी ऐसा कि आज के दौर में एक दिन अम्मी के साथ ऐसी बैठी हुई थी तो ऐसे ही मैंने सवाल किया, मैंने कहा अम्मी आज तो लड़कियाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चला रही है, तो अगर मुझे नहीं आती होती आप क्या कहती,
तो मम्मी कहती मैं आज अगर तुम्हें नहीं आती होती मैं खुद लेके जाती कहीं पर कि जाओ बैठ के सीखो। आप मोटरसाइकिल चलाती हो, बाइक चलाती हो, तो चलो आपने तो अपने घर वालों को मना लिया, फिर इतने सारे लोग जुड़ गए यार अब आपके साथ। पहले तो आपको मैं ये बताऊंगी हसन भाई कि आपने जब पूछा था ना कि ये कैसे हुआ, तो जब मेरा टूर का था ना, जब मैंने ये चीज़ें मैंने सीखी, मैंने देखा ये चीज़ें कि मतलब गिरते भी हो आप, खुद से सीखना इतना आसान नहीं है, सीखते हो लेकिन सीखने के साथ जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो आपको और अच्छी आती है। तब मैंने हमेशा जो और तीन लड़कियां थी उनको मैंने कहा कि यार हम एक काम करते हैं, हम अपना ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के ना हम अगर दो लड़कियों को भी सिखाएंगे तो मुझे लगेगा कि कोई मरीना ना आज गिरी नहीं है जिस तरह मैं गिरी हूँ। तो वहाँ पर हमारा एक थॉट बन गया था कि चलो हम लोग ये काम स्टार्ट करते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि नाम क्या रखें, तो फिर मैंने कहा कि राउडी रख दे, क्योंकि हर ख्वातीन के अंदर ना एक राउडी है, बस उनको जगाना पड़ता है। तो उस टाइम पे जब हमने सोचा, फिर उसको कंटिन्यू करना चाहा, तो वो जो ग्रुप था मेरे साथ वो फिर उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। तो ये पूरा 2017 को स्टार्ट किया था हमने, फिर 2017 को किसी ने अपना कोई काम नहीं किया, किसी को समझ नहीं आता क्या करें। फिर 18 को तक मैंने वेट किया, क्योंकि मैंने जब ये प्लान किया था ग्रुप के साथ किया था, जब वो ग्रुप ही इन्होंने रिस्पांस नहीं दिया तो मैंने फिर अकेले स्टार्ट किया दोबारा। लेकिन मुझे ये ग्रुप स्टार्ट करने में भी डर लग रहा था कि मैं एक अकेली क्या मैं राउडी को संभाल सकती हूँ, क्या मैं इसको चला सकती हूँ, क्या मैं लड़के को अकेले सिखा सकती हूँ, ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, करते हैं कोशिश। जब मैंने स्टार्ट करना चाहा तो मेरी फैमिली को भी अच्छा लगा कि चलो तुम्हारे जो बाइक का स्टैंड है ये छोड़ दो, तुम ये कर लो बेस्ट है। जब फैमिली ने मुझे इसमें सपोर्ट किया ना, तो मैंने कहा बस ये आसान है मेरे लिए। तो तुम अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास 500 लोग रजिस्टर्ड है जिनको हम सिखा चुके हैं। मंथ में 15-20 लड़कियाँ हर मंथ में हमारे पास रजिस्टर्ड होती है, जिनको टारगेट होता है कि उनको सिखा कर उनको खुद मुख्तार बनाए, उनका जो अपनी खुद का काम है वो करे खुद से। और हमारे पास ज़्यादातर हाउसवाइफ है, वो मुझे मेंटोर समझ के आते भी है, और उसके अलावा मुझे आके बताते भी है कि हम बाइक सीखना चाहते हैं ताकि हम खुद सुबह जाकर अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करें और 1 बजे जाकर उनको खुद लेकर आए। कुछ बाप आए, उन्होंने अपनी बेटी को लेकर आए 18 साल की, 19 साल की, और उन्होंने कहा कि बेटा मेरी बेटी को भी सिखाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि किसी के शोहर आ रहे हैं, किसी के अब्बू आ रहे हैं, और वो वहाँ पर बैठे हैं, उनके पिक्चर्स ले रहे हैं, उनके वीडियोस बना रहे हैं, बाद में मुझे सेंड कर रहे हैं। फिर वो जब बाहर चलाने लगे तो मुझे सेंड करके बोल रहे बेटा थैंक यू। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हर फैमिली से अगर एक माँ आई है तो उन्होंने अपनी बेटियों को सिखाई है, अगर कोई लड़की आई है तो उन्होंने अपनी बहनों को सिखाई है, वरना अगर कोई मेल देख रहे हैं हमारे कोई वीडियो कोई पिक्चर तो वो खुद हमें मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं और कहते हैं आपका ग्राउंड कहाँ पर है, मुझे अपनी बहन को लाना है, मुझे अपनी वाइफ को लाना है, या मुझे अपनी माँ को लाना है। मेरे पास 18 से लेकर 55 की एज के ख्वातीन तक मेरे पास आई और सीख के गई है माशाल्लाह। देखिए हसन भाई, अब जो लड़कियाँ बाइक चला रही है ये घर को सपोर्ट ही कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं कि वो बाइक चला रही है और वो गलत रास्ते में जा रहा है। से अब 2-4 लोग अगर इसके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मुल्क ख़राब है या हमारे लोग ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मुल्क बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। अगर बात करते हो कि नेगेटिव कमेंट के लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 4-5 लोग, जब आप खुद नेगेटिव चीज़ों को देखो नहीं छोड़ दोगे तो वो करेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा खुद ही। जी, कराची से मैं कश्मीर तक गई हूँ, क्योंकि वो भी एक टूर था हमारा। तो मेरा एक शौक़ जो था कि बाइक चलो, मेरा एक शौक़ था कि बस कराची में क्यों ना बाइक चलाओ, बस बाइक चलाओ। अब जब मुझे मौका मिला कि कराची से बाहर बाइक चलानी है, मैंने कुछ नहीं सोचा और मैंने कहा हाँ मुझे चलानी है। तो बस फिर उसके लिए भी फैमिली को मनाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, जिस तरह पहली बार जॉब के लिए मनाना, इसी तरह फिर बाइक पर मनाना। फिर अम्मी को जब बाइक का ही पता चला तो उसके लिए भी हंगामा। तो फिर उसके बाद जब टूर का पता चला तो उसके लिए भी एक कि क्यों लड़कियों और टूर पे वो भी 1 मंथ, तो उसके लिए बहुत मुश्किल से मनाया मैंने फैमिली को कि अम्मी जाने दीजिए, ये मुझे अच्छा लगता है, मेरा एक काम भी है। तो बड़े मुश्किल से अम्मी ने माना। अगर मुझसे कभी पूछे कि आपके अभी बेस्ट लाइफ में ऐसा बेस्ट पार्ट कौन सा है, तो मैं कहूँगी मेरा टूर, जो यहाँ से मैं कश्मीर तक गई हूँ। क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली बार कराची से बाहर भी गई थी उस टाइम पे, और एक चीज़ मैं सुनती थी कि सिंध में ऐसे लोग होते हैं, पंजाब में ऐसे लोग होते हैं, सही है। तो
मैं मुझे तो सिर्फ अपने ट्रैवलिंग से मकसद था कि मुझे बस टूर करना है. लेकिन जब मैं पहली बार सिंध में गई तो इतने प्यार करने वाले लोग, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ 3 और बाइकर्स थे, हम 4 लड़कियां 4 बाइक पे हैं. सिंध में लोग अजरक पहना रहे हैं, हम लोग जहाँ स्टे कर रहे हैं वो देख रहे कि लड़की बाइक पे, वो भी 200cc बाइक पे, तो कोई आके फ्लावर्स पहना रहा है. तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई एक्ट्रेस हूँ अपने लाइफ में. और मैं एक जगह खड़ी हूँ तो एक छोटी सी बच्ची है कि आपके साथ पिक्चर ले लूँ, और सब मुझे लगा ओह माय गॉड. तो इसी तरह लोग आके पिक्चर्स भी ले रहे हैं और बड़े बड़े लोग यू आगे जाके सेल्फीज भी ले रहे हैं. मैंने कहा अच्छा, इतना लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग फिर इसको गलत क्यों समझते हैं. इसी तरह जब मैं गुजरात गई, गुजरावाला गई, तो उन्होंने स्पेशली गुजरात में उन्होंने अपनी कुश्ती दिखाई हमें इनवाइट करके, हम उनकी कुश्ती देखने गए. इसी तरह जब हम लोग लाहौर गए तो लाहौर में लोग ने बहुत अच्छा वेलकम किया. इसी तरह हम लोग मरी गए तो मरी में अच्छा वेलकम किया. तो मुझे तो पूरे पाकिस्तान से ही प्यार हो गया. बाइक कहते रिस्की है, मैं कहती हूँ आप बाहर अगर खड़ी हो उससे बेटर आपकी बाइक है. बाहर अगर मैं खड़ी हूँ, मैं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ, लोग कहते हैं बाइक में हरेसमेंट होता है. लिटरली मुझे सुनने में आया, बाइक में कोई हरेसमेंट नहीं होती है. बाइक में आपके रेस आपके हाथ में होता है. बाइक में आप आपके हिसाब से बाइक चलेगी, आप बाइक के हिसाब से नहीं चलोगे. अगर आप कहीं पर वेट कर रहे हो, वेटिंग में खड़े हो, तो आप वहाँ पर हरेसमेंट हो सकता है. अगर आप चिंचे में बैठते हो, मैंने भी रिसेंटली मैंने कहा था कि मैं बहुत 5-6 साल से मैं खुद बाइक चला रही हूँ, एक दिन मैं देखती हूँ कि ये चिंची में क्या सीन है. मैंने खुद देखा जब मैं गई ना बैठने के लिए, वहाँ पर आगे एक लड़का आके बैठा, पूरा टांगे आप चुप कर रहा है, चुप ये यू हो रहा है, टच हो रहा है. ये हरेसमेंट नहीं है मेरी बाइक पे, तो कोई मुझे टच तो करे. बनिस्बत आप खड़े हो, आप हरेसमेंट के शिकार हो रहे हो. बाइक पे तो आप हरेसमेंट के शिकार नहीं होते हो, आप खुद से जा रहे हो, खुद से आ रहे हो, आपको कहीं जाना है. पेट्रोल आप ख़त्म क्यों हो रहा है, आप ज़्यादा भर दो. और अगर बाइक पंचर हो तो इतने सारे ऐप आ गए, आप उनको एक कॉल करो, आपको फ़ौरन आके वो बना देगा. और इसके अलावा हम लोग जो है लड़कियों के हिसाब से हम सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा करवाते हैं, हम रैलीज़ करवाते हैं. तो रैली के अलावा हम लोग जैसे रमज़ान ट्रांजैक्शन था, हमने वो भी की. उसके अलावा भी जितने भी हमारे पास सोशल एक्टिविटीज़ है वो हम लोग करते रहते हैं लड़कियों के लिए, ताकि लड़कियों को ना कॉन्फिडेंस हर चीज़ में आनी चाहिए. बाइक से ये कि मेरा तो बाइक का मकसद ये कि अब ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार बनाना, लोगों का नज़रिया बदल रहा, जो कि हमारा है अहम कि उनको बदलना है. पहली बार जब बाइक चलाई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि लिटरली कि मैंने दुनिया ही फतह कर ली.